जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का आगमन 16 सितंबर को बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के सरैया बभनगावा खेल मैदान में होने जा रहा है। उससे पहले जाप कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी समिति का बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा जाप के जिला अध्यक्ष रघुपति यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रघुपति यादव ने बताया कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का स्वागत अब्दुल बारी पुल कोइलवर में किया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ उन्हें बभनगावा सरैया खेल मैदान तक गाजे बाजे के साथ लाने का कार्यक्रम किया जाएगा। काफिले में 1000 मोटरसाइकिल, घोड़ा, ट्रैक्टर, चार पहिया वाहन काफी मात्रा में शामिल होंगे। हमारे युवा नेता सोनू जी, तमाम साथियों को, चौकीदार जी, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम है। साथियों, आज देखेंगे कि पप्पू यादव जी आ रहे हैं बड़हरा विधानसभा में पहली बार। वह तैयारी कैसे हो कि हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए, किस तरह से लोग जुटे और पप्पू यादव जी उनसे प्रभावित। विधानसभा क्षेत्र के बभनगावा फील्ड मैदान जो है, उसमें पप्पू यादव जी का कार्यक्रम मिलन समारोह होने जा रहा है। इसी के लेकर हम लोग बैठक आज हुआ है। आज बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से लोग, युवा नौजवान साथी आए हैं, बैठक हो रहा है अभी, और इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेने के लिए ऐतिहासिक मिलन समारोह होने जा रहा है बड़हरा क्षेत्र में। निश्चित तौर पर बता दें, आपको बता दूं कि लगातार बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में हम सदस्यता अभियान, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। अब तक लगभग 15,000 लोग जन अधिकार पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है निश्चित तौर पर, और जो हमारी सेवा है लगातार जारी रहेगी। सर, कल कितने लोग वहाँ पर पहुँचेंगे पप्पू यादव के जनसभा जी? पहले हम लोग का ये यहाँ से अति हुआ है कि हम लोग, हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पप्पू यादव जी कोइलवर से हम लोग रिसीव करेंगे। वहाँ हजारों की संख्या में हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और वहाँ से रिसीव करके क्या बोलते हैं, जमालपुर होते हुए, कोल्हरामपुर होते हुए, चातर वाला रूट से होते हुए, बड़हरा पोखरापुर मंदिर होते हुए हम सरैया लाने का। क्या लग रहा है कि पप्पू यादव कल अपना बड़हरा क्षेत्र से आपको उम्मीदवार घोषित करेंगे? देखिए, उम्मीदवार घोषित करना या ना करना, ये तो कोई यथी नहीं हम कह सकते हैं। हम एक सच्चे वर्कर हैं, एक बड़हरा विधानसभा क्षेत्र का बेटा बनना चाहता हूँ, हर घर में रहकर जीना चाहता हूँ, अपने परिवार को सेवा करना चाहता हूँ, और जो पार्टी सुप्रीमो का आदेश होगा उसका पालन होगा। मेरा जो काम है मैं अपना काम करूँगा। देखिए, ऐसी कोई यथी नहीं है। जो हम लगातार आपसे भी बोल रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो का जो आदेश होगा हम लोग काम करेंगे, निश्चित तौर पर मान्य करेंगे। जो मेरा काम है, दायित्व है, मैं अपने दायित्व को